अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये बहुत पहले ही आ चुका है, बट हमें टाइम नहीं था इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे उस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, क्या अपडेट है और न्यू यूट्यूबर के लिए कैसे बेनिफिट होगा, या फिर ओल्ड यूट्यूबर जो हैं वो उनको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। तो यहाँ पे हम अपने चैनल पर देख रहे हो, विजिट कर दिए हैं, और यहाँ पे अगर आपको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो अपने चैनल पर विजिट करें, और वहाँ पे आने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने चैनल के स्टूडियो पे आ जाना है। ये ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट आया है यूट्यूब की तरफ से, आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। आपके चैनल के डैशबोर्ड के सामने ऊपर कॉर्नर पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, एज ए वैल्यू क्रिएटर इन आवर कम्युनिटी वी इन्वाइट यू टू हेल्प शेप द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब पैड डिजिटल पैड PDG। योर इनपुट विल इन्फॉर्म इम्पोर्टेंट डिस्कशन। उसके बाद यहाँ पे अबाउट फीचर्स एंड डिजाइन हेल्प क्रिएटर लाइक यूज सक्सीड। तो यहाँ पे YouTube की तरफ से ये बताया गया है कि जो भी YouTube में नए फीचर्स आते हैं और जो भी नया नया चीज़ आता है YouTube में, नए फीचर्स आते हैं जो YouTube क्रिएटर को दिए जाते हैं, उसका जो आइडिया लेना है आपको इस सर्वे के माध्यम से। अगर आप यहाँ पे सर्वे करते हैं, जो भी सर्वे में आपसे पूछा जाएगा उसका सवाल का जवाब आप जब देंगे, तो वहाँ पे आपके ही अनुभव के अनुसार से YouTube डिजाइन करेगा कि आपको कैसे फीचर्स देने चाहिए और कौन कौन से फीचर्स आपको अलाउ करेगा। तो यहाँ पे आपको सर्वे इस तरह से आप के सर्वे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको लॉस नहीं होगा, बस आपको एक छोटा सा सर्वे होता है जिसको YouTube पे टाइम से टाइम टू टाइम पूछता रहता है और सर्वे लेता रहता है हर एक क्रिएटर से, चाहे वो ओल्ड यूट्यूबर हो या फिर न्यू यूट्यूबर हो, सभी के लिए जो है ये सर्वे मैंडेटरी है और ये 6 से 7 महीने के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सर्वे देना चाह रहे हैं तो टेक ए क्रिएटर सर्वे पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो डिसमिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है सर्वे को दें। अगर आप यूट्यूब से नए फीचर्स चाहते हैं, नए फीचर्स अपने चैनल पर चाहते हैं, तो आपको इस सर्वे देना चाहिए, क्योंकि आपके ही एक्सपीरियंस से वो यहाँ पे डिजाइन करेगा कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए। तो यहाँ पे आप इस सर्वे को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा नोटिफिकेशन ये लिखा हुआ है, स्टार्टिंग 29 जुलाई 2022 चैनल विल नो लॉन्गर बी एबल टू हाइड देयर सब्सक्राइबर्स काउंट ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर रखे हैं तो जो 29 जुलाई 2022 के बाद आप हाइड नहीं करेंगे। अगर आप हाइड करें भी होंगे तो 29 जुलाई 2022 के बाद वो अनहाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी यहाँ पे लॉस है, क्योंकि जो न्यू यूट्यूबर हैं वो अपना सब्सक्राइबर्स जो है हाइड करके ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्राइबर्स अगर कम रहेगा वो शो करेंगे और कोई भी व्यूवर्स देखेगा तो वहाँ पे उस चैनल पर नहीं विजिट करेगा, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। तो इसलिए जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो अपना जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको हाइड करके रखते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि अगर आप जो है अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर रखे हैं तो उसको अनहाइड कैसे करेंगे, और अगर आप चाहे हाइड करें हो या अनहाइड करें हो इसको आपको जो है शो करके रखना होगा। अगर आप हाइड करें होंगे तो भी ये 29 जुलाई 2022 के बाद अनहाइड हो जाएगा। तो अगर आप हाइड करे हैं तो इसको अनहाइड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको जो है, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है ये ऑप्शन ओपन होता है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे चैनल पे क्लिक करेंगे, चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर्स टू माय चैनल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अनहाइड करना है तो इसको अनटिक ही, हाइड करना है तो आप अनटिक कर देंगे, अगर अनहाइड करना है तो आपको यहाँ पे ट्रिक कर देना है। जब ये ट्रिक कर देंगे तो आपके चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो शो होंगे, जो भी व्यूवर्स आपके चैनल पर विजिट करेगा वो आपके सब्सक्राइबर्स को देख सकता है कि कितने सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर हुए हैं। तो अगर आपने हाइड कर रखा है तो इसको इस तरह से आप अनहाइड करेंगे। चैनल पर आने के बाद आपको चैनल पर क्लिक करना है, बेसिक इन्फो, उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी लिखा है। एडवांस सेटिंग पर आने के बाद आपको सेकेंड नंबर पर आपको मिल जाता है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर्स टू माई चैनल, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने सब्सक्राइबर्स को अनहाइड कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनहाइड कर टिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो पब्लिक हो जाएगा कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं।
वो आपके व्यूवर्स को पता चलेगा। तो इस तरह से आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी हमने नोटिफिकेशन आपको बताया है, जो भी अपडेट यूट्यूब की तरफ से आया है उसको बताया है, उसको आप जान सके होंगे। अगर आप सर्वे करना चाहें तो सर्वे दे सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइबर्स हाइड कर रखा है तो उसको अनहाइड कर लें, क्योंकि 29 जुलाई लास्ट डेट है हाइड करने अनहाइड करने का। अगर आप हाइड किए हैं और अनहाइड नहीं करते हैं तो आपको 29 जुलाई 2022 के बाद वो अपने आप अनहाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।